हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको करा रहे हैं इनक्यूलिटी प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ हम जितने भी क्वेश्चन कराएंगे शॉर्ट ट्रिक के साथ कराएंगे और इंपॉर्टेंट होंगे, जो आपके टीजीटी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये जो रेड रंग का बटन है इसे दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बराबर में एक बेल का आइकन भी है, इसको भी दबा दीजिए ताकि नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो के अंत में अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और अपने फ्रेंड को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है, तो इसमें हमें बताना है द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स बी सेटिस्फाई द इनइक्वालिटीज। ये हमें ये बताना है कि x की वे वैल्यू निकालनी जो दोनों इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करती है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखिए जो पहली इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो पहले मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर रख लेता हूँ, 5x प्लस 2 और ये लेस देन 3x प्लस 8। अब इसका पक्षांतर कर लेते हैं, तो 5x माइनस के 3x और ये हो जाएगा प्लस का 2 माइनस का 8। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कितना आ गया, ये 2x आ गया माइनस का 6 आ गया लेस देन 0। 2 से डिवाइड कर देंगे तो x माइनस के 3 लेस देन 0। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 3। ठीक है, इसी तरह से हम जो दूसरी वाली इनइक्वालिटी है इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर कितनी है देखिए, x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1 और ये लेस देन। तो देखिए जब भी अब ये फ्रैक्शन के रूप में दिया हो तो कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई मत करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर नहीं मिलेगा क्योंकि कुछ आंसर कम हो जाता है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो 4 को आप इधर लेके जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो इधर हो जाएगा माइनस का 4। और अब देखिए यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो ये आएगा देखिए माइनस का 4x और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस प्लस का 4 अपॉन एक्स माइनस 1 लेस देन 0। अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये माइनस का 3x हो गया और ये हो गया प्लस का 6 अपॉन एक्स माइनस 1 लेस देन 0। अब देखिए माइनस के 3 से और इसको हम डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा एक्स माइनस के 2 अपॉन एक्स माइनस 1 और ये देखिए इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अब इनका कॉमन सॉल्यूशन निकालना है, यानी कि इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। तो इंटरसेक्शन निकालने के लिए नंबर लाइन की हेल्प से हम निकालेंगे, तो नंबर लाइन की हेल्प से देखिए ये मान लीजिए नंबर लाइन है, तो वो मान लीजिए 3 जो है वो यहाँ पर है और दूसरे वाले की जो नंबर लाइन है वो ये वाली है। इन दोनों में जो कॉमन होगा वो इसका जो है आंसर कहलाएगा। तो देखिए पहला का जो सॉल्यूशन होगा वो इधर वाला होगा, ये इसका पूरा सॉल्यूशन हो गया, कौन से वाले का, पहले 3 का। ये मान लिया हमने क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो निगेटिव लेना, तो निगेटिव इधर तो हो गया पॉजिटिव चिन्ह और इधर हो जाएगा निगेटिव। नंबर से लेफ्ट में पॉजिटिव लेते हैं और इधर लेफ्ट राइट में पॉजिटिव और लेफ्ट में निगेटिव, यानी कि माइनस इन्फिनाइट टू 3। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस वाली लाइन की। देखिए यहाँ पर जो है फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन के रूप में जो है सॉल्यूशन होता है। अब यहाँ पे जो है पहले देख लेते हैं, पॉइंट निकाल लेते हैं, तो पॉइंट क्या होंगे इसके, मैं यहाँ पॉइंट निकाल देता हूँ। तो x माइनस 2 बराबर 0 लेंगे तो पॉइंट आ जाएगा x माइनस 2 बराबर 0, x बराबर आ जाएगा 2। इसी तरह से दूसरे वाले से लेंगे तो x बराबर आ जाएगा 1 यहाँ से इस वाले से, तो दे पॉइंट 2 जो हो गया लगभग इससे 3 से थोड़ा सा इधर होगा। ठीक है, और 1 जो होगा वो कहीं यहाँ मान लीजिए यहाँ हो जाएगा 1। अब हमें वो सॉल्यूशन लेना है जो दोनों को सेटिस्फाई करे, दोनों को सेटिस्फाई करे। तो इसका पहले हम इसे देखते हैं, देखिए x माइनस 2 है तो पहले 2 से बड़ा, यहाँ पर देखिए क्या 2 से बड़ा, तो 2 से बड़ा अगर हम यहाँ पे कोई वैल्यू रखें, यहाँ पे 2 से बड़ी यानी 3 रख के देख लीजिए तो ऊपर जो चिन्ह आएगा वो प्लस का आएगा और नीचे अगर 3 से बड़ा रखेंगे तो ये भी प्लस का आएगा, और अंश और हर दोनों प्लस में हो तो चिन्ह कैसा आता है, प्लस का आता है। अब इसी तरह से अगर हम 1 और 2 के बीच में वैल्यू रखें तो 1 और 2 के बीच में 1.5 रख लें, तो 1.5 रखेंगे तो यहाँ माइनस चिन्ह आएगा और यहाँ पर जो 1.5 रखेंगे तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह आएगा, तो यहाँ चिन्ह आ गया माइनस का। इसी तरह से अब हम क्या रखें, 1 से छोटी, तो 1 से छोटी, 1 से छोटी मतलब चलो 0 रख लेते हैं, 0 रखेंगे तो ऊपर भी माइनस आएगा और नीचे भी माइनस आएगा, माइनस माइनस कैसा हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। अब देखिए सॉल्यूशन, पहले ये वाली क्या है, पॉजिटिव है, यानी 0 से बड़ा का मतलब इसका जो सॉल्यूशन होगा पॉजिटिव भाग होगा, यानी ये वाला इसका सॉल्यूशन होगा, तो ये क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा।
और कौन सा पॉजिटिव, ये वाला, ये इसका सॉल्यूशन होगा। अब हमें जो निकालना है दोनों का कॉमन सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। ऊपर वाले का सॉल्यूशन ये था, अब कॉमन देख लीजिए दोनों में क्या है। कॉमन भाग जो बैठ रहा है दोनों में, मैं आपको बता दूं, जो कॉमन भाग बैठ रहा है दोनों में वो बैठ रहा है, एक तो ये बैठ रहा है, ये कॉमन भाग बैठ रहा है, और दूसरा कौन सा बैठ रहा है, ये वाला भाग रहा है, ठीक है। तो ये जो हुआ इसका सॉल्यूशन होगा, यानी कि एक्स बिलोंग्स टू होगा। अब देखिए यहाँ इक्वल तो है नहीं, तो इस सब जो है ओपन इंटरवेल ही लगेंगे। माइनस इन्फिनाइट टू कितना आएगा यहाँ पे, ये कितना पॉइंट था, ये पॉइंट था वन, वन था यहाँ, और यूनियन ऑफ ये वाला माइनस दो से तीन तक ओपन इंटरवल लगाएंगे। तो आप देख लीजिए ये वाला कौन सा सॉल्यूशन है, तो वो इसका आंसर हो गया। तो राइट आंसर हो गया इसका, फोर्थ इसका आंसर हो गया। तो मैं समझता हूँ आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अब इसमें क्या है, इफ एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस ट्वेंटी सेवन और एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस देन आंसर इसका बताना। तो वो आंसर होगा जो दोनों समीकरण को सेटिस्फाई करेगा। तो पहले हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो पहली इक्वेशन हम लिख लेते हैं यहाँ पे, देखिए तो मैं यहाँ पेन ले लेता हूँ। तो यहाँ पहली इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस के सिक्स एक्स माइनस के सत्ताईस, ठीक है, और क्या है ग्रेटर देन जीरो। तो इसके फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर के लिए तरीका मैंने आपको बताया था, सत्ताईस लाना तो नौ थी सत्ताईस, तो यहाँ पे क्या करना, प्लस का रखना, तो ये प्लस का नौ रखेंगे और यहाँ पर रखेंगे माइनस का, क्योंकि इनकी मल्टीप्लाई करके देखिए सत्ताईस आ जाएगा, इनको दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस का छः आ जाएगा। इसी तरह से जो दूसरी वाली इक्वेशन है इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसे लिखा मैंने एक्स स्क्वायर माइनस के थ्री एक्स माइनस फोर लेस देन जीरो। तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा इसका, चार यानी जोड़ कर एक तीन आना चाहिए, गुणा करके चार आना चाहिए, तो यहाँ पर आएगा एक्स तीन रखना है, तो चार माइनस का चार रखेंगे और प्लस का वन रखेंगे। देखिए इन दोनों को जोड़ के माइनस तीन आ जाएगा, गुणा करेंगे तो माइनस चार आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमें इसका कॉमन सॉल्यूशन निकालना है, तो कॉमन सॉल्यूशन निकालेंगे नंबर लाइन की हेल्प से। तो पहले इसकी नंबर लाइन बना देते हैं, तो इसकी नंबर लाइन होगी ये वाली, और इस वाले की नंबर लाइन बना देते हैं, इसकी नंबर लाइन होगी, ठीक है। अब इनमें जो दोनों में कॉमन होगा वो सॉल्यूशन कहलाएगा। तो पहले वाले का जो सॉल्यूशन है, देखिए क्या है पॉइंट, एक है पॉइंट, मैं लिख लेता हूँ। पहले वाले के जो पॉइंट आएंगे वो आएंगे तीन और जीरो बराबर करके लिख लेते हैं और आएगा माइनस का नौ। दूसरे वाले के पॉइंट क्या आएंगे, वो आएगा माइनस वन और फोर, ठीक है। तो पहले इस वाले के बाद देख लेते हैं, तो तीन माइनस वाला पॉइंट यहाँ ले लीजिए, ये हो गया माइनस का नाइन, और यहाँ पर ले लीजिए आप थ्री, ये हो गया थ्री, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसी तीसरी वाली का लाइन का सॉल्यूशन ले लेते हैं माइनस वन, तो माइनस वन जो आएगा ये थ्री प्लस का चार तो यहाँ पर जाएगा, यानी कि इसके बाद आएगा ये हो जाएगा फोर, ठीक है। और जो है माइनस वन जो होगा वो कहीं यहाँ पर आएगा तीन से, यानी कि यहाँ मान लीजिए यहाँ लमसम ले लेते हैं, कोई एग्जैक्ट लेने जरूरत नहीं। अब साइन वही देखिए क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब इसका सॉल्यूशन देखिए ऊपर वाली लाइन का, पॉजिटिव रखना ऊपर वाली लाइन, यहाँ पर देखिए क्या है, साइन जीरो से बड़ा, पॉजिटिव कौन सा भाग है, ये वाला, तो यानी इसका जो सॉल्यूशन हुआ वो हुआ ये वाला भाग, ये क्या हो गया इसका सॉल्यूशन हो गया। अब जो और कौन सा सॉल्यूशन है इसका, ये वाला है। अब हमें इसमें माइनस नाइन नहीं लेंगे क्योंकि नेगेटिव साइन हमें यहाँ पर नहीं लेना। अब ऐसी नीचे वाली लाइन में देखिए नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब ये वाला साइन। अब ऊपर और नीचे वाली लाइन में जो कॉमन होगा वो इसका आंसर कहलाएगा। तो कॉमन भाग कौन सा आ रहा है, देखिए ये वाला इतना भाग कॉमन आ रहा है बस, बाकी कोई भी कॉमन भाग नहीं है। तो इसका जो आंसर हुआ x बिलोंग्स टू कितना हुआ, थ्री टू फोर ओपन इंटरवल, तो थ्री टू फोर यानी कि x की जो वैल्यू है वो तीन से बड़ी है और चार से छोटी। कौन सा आंसर हुआ इसका, x की वैल्यू तीन से बड़ी और चार से छोटी, यानी कि इसका तीसरा इसका राइट आंसर हो गया। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू देन एक्स लाइज द इंटरवल। तो यहाँ पे पहले हम दोनों को सॉल्व करेंगे। तो मैं पहले सबसे पहली वाली इक्वेशन को यहाँ पर लिख लेता हूँ। जो पहली इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस वन लेस देन इक्वल, इसके देखिए फैक्टर कर लेते हैं। अब इसी प्रकार से जो दूसरी इक्वेशन है उसको भी देखिए फैक्टर कर लेते हैं। दूसरी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स
माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो फैक्टर इससे क्या हो जाएंगे, प्लस का अच्छा माइनस का टू रखना, तो एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन। तो इसका तरीका देखिए क्या होता है, इसमें देखिए एक्स माइनस टू यानी जोड़ के तो आना चाहिए माइनस वन, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ही आना चाहिए, ठीक है, तो बिल्कुल सही होगा फैक्टर। अब इसको नंबर लाइन पर दिखाते हैं, तो इसकी नंबर लाइन हम ड्रा कर देते हैं। देखिए क्या है इसका, एक तो आंसर आएगा, एक तो एक्स की वैल्यू आएगी वन और एक आएगी माइनस वन, जीरो से इक्वेट करके वैल्यू निकाल लेते हैं। तो वन मान लीजिए यहाँ पर है, ये हो गई वन। अब यहाँ पर देखिए इक्वल भी लगा हुआ, तो हमें वन को भी लेना पड़ेगा, यानी ये भी हमारा आंसर में रहेगा, ठीक है। उससे दूसरी बात माइनस वन यहाँ ले लीजिए, ये भी आंसर में रहेगा क्योंकि अब क्या इक्वल भी लगा हुआ। अब दूसरा वाला जो इसकी नंबर लाइन ड्रा कर देते हैं, इसकी जो नंबर लाइन है वो ये है, देखिए यहाँ पर जो वैल्यू आएंगी वो आएगी माइनस वन और टू, तो माइनस वन तो बिल्कुल ठीक यहीं आ जाएगी इसके नीचे, माइनस वन दूसरी क्या टू, तो टू जो आएगी वो लगभग यहाँ आएगी, टू हो गई, ठीक है। अब देखिए पहले का सॉल्यूशन क्या है, नेगेटिव, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम हमेशा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो पहले सॉल्यूशन जो है वो नेगेटिव वाला लेना, तो नेगेटिव भाग कौन सा है, बीच वाला भाग, यानी बीच वाला जो है सॉल्यूशन इसका हो गया, तो बीच वाला सॉल्यूशन इसका हो गया। देखिए तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन क्या हुआ, बीच वाला भाग, ये इसका सॉल्यूशन हो गया पहली वाली इक्वेशन का, और साथ में ये भी लेंगे, क्यों, क्योंकि आपका इक्वल भी लगा हुआ, तो ये जो है इसका सॉल्यूशन हो गया पहली वाली इक्वेशन का। ठीक है, अब जो दूसरे वाला है, दूसरे का सॉल्यूशन क्या है, पॉजिटिव लेना है, तो पॉजिटिव कौन सा भाग है, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, तो ये इसका आंसर हुआ, ये भी हुआ, और इधर कौन सा हुआ, ये वाला हुआ, और ये। अब इन दोनों में कॉमन देख लीजिए कौन सा, तो कॉमन तो भाई इसके अंदर देखो ना, तो ये कॉमन बैठ गया, इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है, यहाँ भी कुछ कॉमन नहीं है, तो केवल एक ही पॉइंट बैठ रहा है कॉमन, कौन सा, ये वाला, यानी कि माइनस वन ही केवल आंसर है इसका। तो एक्स बिलोंग्स टू कितना हो गया, माइनस वन, तो ये इसका आंसर हो गया, यानी कि राइट आंसर हो गया फोर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए देखते हैं, देखिए इसके सॉल्यूशन क्वेश्चन, सॉल्यूशन ऑफ दिस। अब देखिए मोड को जो है दो प्रकार से खोला जाता है, आपको बता दें, ये मोड दे रखा हो तो इसको दो प्रकार से खोलेंगे, क्वेश्चन मैं लिख लेता हूँ, पहले क्वेश्चन है 3x प्लस 2 का मॉडुलस लेस देन 1, या तो देखिए इसको स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि स्क्वायर करने से भी इनइक्वालिटी पे कोई चेंजिंग नहीं होता है, या फिर इसको एक बार प्लस चिन्ह ले लीजिए यहाँ पे, एक बार माइनस, या शॉर्ट में हम ऐसे कर सकते हैं, आप यहाँ पे माइनस 1 लिख दीजिए, हाँ ये नहीं लिया जाएगा, और यहाँ पर लिख दीजिए 3x प्लस 2 और प्लस 1, तो आप शॉर्ट में ऐसा लिख सकते हो, या एक बार प्लस चिन्ह ले लीजिए, एक बार माइनस ले लें, या दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दें, तो इसको तीन तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे साधारण तरीका ये है कि आपको इस रूप में लिख लीजिए, अब यहाँ से x को क्लियर कर लीजिए, तो पहले 2 माइनस करेंगे, सब में से हम 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से 2 माइनस करेंगे पूरी में, देखिए जो भी काम होगा सब में होगा, एंड तक होगा, तो यहाँ पर हो गया माइनस के 3, ये हो गया 3x और ये हो गया माइनस का 1, अब 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये माइनस 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा x लेस देन माइनस के 1 अपॉन 3, तो x की जो वैल्यू हो गई वो माइनस 3, क्या हो गया x की वैल्यू माइनस 3 से, तो इसमें जो आंसर है x बिलोंग्स टू क्या आएगा, इसमें थोड़ा सा मैं इसको रीच कर दूँ, यहाँ पर देखिए आंसर जो आएगा इसका बता दें आपको, माइनस 3 से छोटा और एक माइनस 1 से बड़ा, तो माइनस 3 से माइनस 1 के बीच में आएगा, यानी कि इसका जो सेकेंड आंसर है वो इसका आंसर हो जाएगा, माइनस 1/3 छोटा है और माइनस 1/3, यानी कि इसका जो है कौन सा आंसर हुआ, अच्छा इसमें ब्रैकेट में देख लीजिए ओपन इंटरवल आएगा, यानी तीसरा इसका आंसर हुआ माइनस 1 और 1/3, ठीक है, कौन सा आंसर हुआ इसका, माइनस 1 और माइनस के 1/3, यानी कि 3 इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे माइनस 1 ओपन इंटरवल माइनस 1/3, वैसे तो छोटा वाला पहले लिखते हैं, ये छोटा है इसको पहले लिख लेंगे, लेकिन जैसा आंसर दे रखा हम उसके हिसाब से हमने लिख दिया, तो आंसर इसका हो गया माइनस 1, यानी तीसरा इसका राइट आंसर हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं,
तो ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, सॉल्यूशन ऑफ दिस, इस मोड की वैल्यू निकालनी। अब यहाँ जैसा कि हमने बताया था, इसको दो तरीके से हम कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप इसका स्क्वायर कर लीजिए और दोनों, क्योंकि स्क्वायर करने से इनफिनिटी में कोई चेंजिंग नहीं होता। दूसरा तरीका एक मैंने ये भी बताया कि आप यहाँ पे माइनस वन लिख लीजिए, इक्वल और 3x माइनस के 2, इससे कर ऐसे भी कर सकते हैं, या ये अलग अलग साइन करके कर सकते हैं, एक बार प्लस चिन्ह लेके एक बार माइनस चिन्ह लेके। अब यहाँ पर देखिए, इसको x को क्लियर करना पड़ता है, तो x को क्लियर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पहले प्राइम 2 जोड़ना पड़ेगा। जैसे ही 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ जोड़ेंगे तो यहाँ रह जाएगा 3x, और यहाँ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3। अब यहाँ पर 3 से डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ हो जाएगा 1/3, और ये हो गया एक्स, और यहाँ पर आ गया 1। लेकिन इस रूप में आंसर तो दिया नहीं है, तो इनमें से कौन से रूप में हमें आंसर लिखना है। देखिए, एक्स की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी है, तो एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी का मतलब हो गया ये, यानी कि एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी का मतलब ये हो गया एक्स बिलोंग्स टू 1 to इनफाइनाइट। अब यहाँ पर ओ क्लोज इंटरवल लेंगे क्योंकि इक्वल का सिंबल लगा, लेकिन इनफाइनाइट पे कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं लिखता। एक्स की वैल्यू है 1/3 से बड़ी, ये यहाँ पर एक्स, और यहाँ पर है एक्स की वैल्यू जो 1/3 से छोटी है। क्या यहाँ पर एक्स की वैल्यू 1/3 से छोटी, तो 1/3 से छोटी कितना हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट, यानी एक्स बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 1/3। तो इसमें देखिए, इसमें ये ओपन क्लोज यहाँ से ओपन लगाएंगे, अब इन दोनों का यूनियन ले लीजिए, तो इन दोनों का यूनियन कौन सा हो जाएगा, ये वाला, इसका चौथा वाला आंसर हो जाएगा। चाहो तो इसे नंबर लाइन से भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पर देखिए, 1 से बड़ा, यहाँ मान लीजिए 1 हो गया, 1/3 इससे पहले होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या, 1 से बड़ा कौन सा भाग हो गया, ये वाला, कल भी लेना, ये सब हो गया 1 से बड़ा, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो एक आंसर तो ये हो गया इसका, ठीक है। दूसरा आंसर कौन सा हो गया, 1/3 से छोटा, 1/3 से छोटा कौन सा, ये वाला, यानी कि माइनस इनफाइनाइट से। तो माइनस इनफाइनाइट से 1/3 यूनियन ऑफ 1 to इनफाइनाइट, तो राइट आंसर हो गया इसका, ये वाला इसका राइट आंसर हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन है सॉल्यूशन ऑफ दिस। अब इसका देखिए सॉल्यूशन हमें निकालना, तो यहाँ पर देखिए इसे तो हम डायरेक्ट ही इसका आंसर ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्या 3 माइनस एक्स है, क्या यहाँ पे 3 माइनस एक्स, और ये क्या x माइनस 3, यानी कि एक जैसे ही है। जब एक जैसे हैं तो इसमें देखिए सेटिस्फाई कौन सा करेगा, यहाँ पर देखिए x की वैल्यू अगर 3 से बड़ी होगी, यानी 4 होगी, तो यहाँ पर प्लस का, जैसे हमारे 4 होगी तो यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा। लेकिन x की वैल्यू अगर 4 3 से छोटी आ गई तो इधर तो प्लस 1 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुत छोटी होने से माइनस का 2 हो जाएगा, यानी कोई भी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या होगा, x की वैल्यू जो होगी वो बड़ी होगी 3 से, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अगर x बराबर 3 रख दें वो भी सेटिस्फाई कर रहा था, इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो कौन सा हुआ, ये वाला हुआ, क्योंकि इक्वल भी रख सकते हैं। एक्स का मान या तो 3 के बराबर होगा या 3 से बड़ा होगा, 3 रखेंगे तो भी 0, 3 रख के देखिए यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ माइनस, ये भी नहीं कर रहा, 3 पे भी नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे क्या, 3 रखोगे तो माइनस 3 हो जाएगा, यहाँ रखोगे तो प्लस का 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 से बड़ा ही रखना पड़ेगा, तभी आंसर इसका मिलेगा। तो राइट आंसर इसका कौन सा है, दूसरा आंसर है, यानी कि एक्स इज ग्रेटर देन 3। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप जो है, आप अनुमान से इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो। तो इसका जो 21 क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है वो क्या है, इसका जो आंसर है वो है एक्स इज ग्रेटर देन 3, ठीक है। कितना आंसर है इसका, एक्स इज ग्रेटर देन 3। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, देख लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2x माइनस 1 एक्स प्लस 3 मॉडुलस है, तो यहाँ पर भी वही तरीका है, या तो आप स्क्वायर कर लीजिए, अगर स्क्वायर नहीं करना चाहते हैं तो एक बार यहाँ पर प्लस का चिन्ह ले लीजिए और एक बार माइनस का चिन्ह ले लीजिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए और जो सेटिस्फाई कर देंगे वो इसका आंसर होंगे। तो इससे सॉल्व करते हैं हम, तो यहाँ पर हो गया एक्स प्लस 7, तो इधर आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू 8 आ गया। यहाँ से सॉल्व करते हैं, 2x माइनस 1 माइनस का एक्स प्लस का माइनस का 7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3x और माइनस का 8 हो गया, तो x इज इक्वल टू आ गया माइनस का 2। अब ये देखना है कि सेटिस्फाई कौन सा कर रहा है। तो x इज इक्वल टू, अगर हम माइनस 2 यहाँ पर रखते हैं तो माइनस के 2 यानी कि 2 × 4 माइनस के 5 आएगा, और इधर जो आएगा x माइनस 2 प्लस का 5, यानी ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये तो इसका आंसर नहीं। यहाँ पर अगर 8 रखते हैं, देखिए 8 × 16 में से 15, 8 × 7 = 15, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए x के स्थान पर 8 रखेंगे, 8 × 16 माइनस 1, और यहाँ पे
ये हो जाएगा 8 + 7, यानी कि कितना हो गया 15 बराबर 15, तो राइट आंसर हो गया x = 8, यानी कि इसका जो दूसरा है इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए अगर दोनों ओर मोड हो तो स्क्वायर वाले मेथड से करना ही ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोनों साइड मोड है तो हम स्क्वायर से करेंगे। स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि स्क्वायर करने से इनइक्वलिटी में कोई चेंज नहीं होता है और जो मॉडुलस का जो चिन्ह होता है स्क्वायर करने पर हट जाता है। तो मैंने देखिए स्क्वायर कर दिया इसका यहाँ पर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला खोलेंगे तो 4x² + 9 - 6 × 12 और ऐसे यहाँ भी सॉल्व कर लेते हैं x² + k4 + k4x। अब इसको पक्षांतर कर लेते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 3x² और ये 12 × 4 हो गए 16x। यहाँ 9 में से 4 घट जाएंगे तो ये हो जाएंगे 5। ठीक है, अब इसके फैक्टर कर लेते हैं, 3 × 5 = 15, 15 के ऐसे टुकड़े जिनका जोड़ के 16 है। तो देखिए यहाँ पर हम बता दें इसको सॉल्ट पे ही हम करेंगे, क्या करना हमें 16 लाना और कितना होगा 16, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 15 और ये आ जाएगा +k1। देखिए इनको जोड़ेंगे तो माइनस का वन करेंगे यहाँ पे, वही 16 हो जाए और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखिए 15 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है 3 भी है, जब 3 होता तो इसके अपोन में 3 और लिख देते। ठीक है, तो यहाँ से जो x की वैल्यू हो जाएगी ये हो गया लेस देन, तो x की जो वैल्यू हो जाएगी एक तो हो जाएगी 3 5 सॉरी 3 5 15 होगा ना, x की वैल्यू एक आ जाएगी 5 और एक आ जाएगी 1/3। तो अब इसका सॉल्यूशन देखें, नंबर लाइन की हेल्प से हम निकाल देते हैं। तो यहाँ पे एक तो है 5 है और दूसरा कितना है 1/3, तो 5 मान लीजिए यहाँ पर आएगा और 1/3। तो चिन्ह कैसे लेते हैं, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। यहाँ पे क्या देखिए निगेटिव है तो निगेटिव वाला कौन सा आंसर होगा इसका, ये वाला आंसर होगा। अभी कल का चिन्ह इसमें है नहीं तो आंसर कितना हो गया 1/3, 5। तो ये कौन सा विकल्प है 1/3, 5, यानी कि दूसरा इसका राइट आंसर हो गया। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पर सोल्यूशन ऑफ दिस इनमें से कौन सा होगा ये बताना। देखिए आपका मॉडुलस जो है बीच में, तो कोई बात नहीं बीच में तो हम पहले इसको लिख लेते हैं, लेस देन 3x + 1 का मॉडुलस लेस देन 1/3। तो अब ये एक बार हम इसे ले लेते हैं 0 < 3x + 1। अब देखिए यहाँ पे वही चिन्ह करेंगे, अब यहाँ पे क्योंकि प्लस माइनस का जीरो का कोई असर तो पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो कुल मिला के ये हो जाएगा 3x + 1 = 0, यानी x = -k 1/3। यहाँ से जो आएगी ये वाली बस इनइक्वलिटी पे असर पड़ेगा, जैसे हम यहाँ पे प्लस लेंगे तो ऐसी रहेगी, माइनस लेंगे तो इनइक्वलिटी चेंज यहाँ पे हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए दूसरा यहाँ से लेते हैं, दूसरा वाला यहाँ पर है 3x + 1 < 1/3। तो इसका प्लस माइनस करेंगे तो वही रूल जैसे कि पहले बताया था, माइनस के 1/3 कर लें और यहाँ पर 3x + 1 = 1/3, या स्क्वायर कर दें दोनों साइड में किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए हम माइनस वन करता हूँ, मैं इसमें से माइनस वन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3x और यहाँ पे 1/3 - 1, तो कितना होगा 3 - 4/3 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 3x 3 - 2/3। ठीक है, आप क्या करना है इसको 3 से और डिवाइड कर देते हैं तो -k 4/9 और यहाँ पर x < -k 2/3 - 9 = 2/9, यानी x की जो वैल्यू है। देखिए अब इसको हम नंबर लाइन से इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर ज़रा ध्यान देंगे, तो x की जो वैल्यू है वो -k 4/3 से बड़ी, तो माइनस का अब प्लस का माइनस का 2/9, यानी कि इसमें जो है माइनस का 2/ जो है 3 है वो बड़ा है, ये हो गया माइनस का 2/9 और ये हो जाएगा माइनस का 4/9। ठीक है, x की जो वैल्यू है माइनस के 2/9 से छोटी है, x की वैल्यू क्या है माइनस के 2/9 से छोटी, यानी कि इसका जो आंसर हो गया ये वाला
ठीक है, माइनस इन्फिनाइट टू एन, और एक्स की वैल्यू क्या माइनस फोर अपॉन नाइन के से बड़ी यहाँ पे, तो इसके लिए ये वाला सॉल्यूशन बैठ रहा है। तो इसका मतलब कौन सा भाग हो गया, केवल ये वाला भाग हो गया, जो दोनों में कौन बैठ रहा है, ये वाला बैठ रहा है। अच्छा एक इसका देख लेते हैं, माइनस के वन अपॉन थ्री, तो माइनस का वन अपॉन थ्री किस में आएगा, माइनस का वन अपॉन थ्री आएगा यहाँ पे, तो इसका मतलब ये तो किसी में बैठ नहीं दिया। प्लस लोगे तो भी इधर में, प्लस में कोई से सही है, हाँ नहीं बैठ रहा वन अपॉन थ्री, तो इसका मतलब ये जो है छूट जाएगा। तो इसमें जो राइट आंसर हुआ माइनस फोर अपॉन थ्री माइनस टू अपॉन नाइन एक्सेप्ट माइनस वन अपॉन थ्री, यानी कि इसके अलावा, क्योंकि माइनस टू माइनस वन जो आएगा, अच्छा सॉरी ये माइनस वन जो आएगा देखिए यहाँ पे आएगा, ठीक है, तो ये चीज़ जो है यहाँ से इसमें छूट जाएगी, यानी कि तो इसका आंसर माइनस फोर से माइनस फोर अपॉन टू, यानी कि यहाँ पर आएगा कहीं पर माइनस वन अपॉन थ्री। तो इसे छोड़ के, क्योंकि इसे जो है छोड़ कर रखते हैं तो हम ये इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। जैसे अगर हमने यहाँ पर रख दिया तो यहाँ पर देखिए एक्स के स्थान पर अगर हम यहाँ माइनस का वन अपॉन थ्री तो जीरो रख दें, ठीक है, तो जीरो जो होगा वो वन अपॉन थ्री से छोटा नहीं हो सकता, ठीक है, तो इसलिए ये जो है माइनस वन अपॉन थ्री इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, नहीं करेगा तो इसका मतलब ये वाला जो आंसर है सॉल्यूशन में नहीं रहेगा। तो इसका मतलब आंसर कौन सा हो गया, माइनस के फोर अपॉन नाइन और टू अपॉन थ्री एक्सेप्ट माइनस के वन अपॉन थ्री, यानी कि इसका जो तीसरा है वो राइट आंसर हो गया। क्लोज यहाँ जिसमें क्लोज लगा हुआ तो क्लोज इंटरवल तो हुआ नहीं, ओपन इंटरवल होगा, राइट आंसर कौन सा हो गया थ्री, ठीक है। माइनस वन अपॉन थ्री क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये है पॉजिटिव नंबर ए बी सी लिस्ट वैल्यू ऑफ दिस, यानी इसकी हमसे लिस्ट वैल्यू पूछी है, ठीक है, तो इसकी लिस्ट वैल्यू क्या होगी वो हमें निकालनी है। तो एक फॉर्मूला होता है, हमने बताया था इसमें बताया कि अर्थमेटिक मीन जो होता है वो ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल टू होता है ज्योमेट्रिक मीन, तो इसका हम यूज करेंगे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का जो अर्थमेटिक मीन होगा वो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का अर्थमेटिक मीन का मतलब थ्री से डिवाइड करना है, और वो क्या होगा ग्रेटर दैन इक्वल होगा किसे, इसके ज्योमेट्रिक मीन से। इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, देखिए यहाँ पर तीन है तो यहाँ पर वन अपॉन थ्री लगा देंगे, बस इतना। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, ए स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर का वन अपॉन थ्री, जैसे यहाँ पर टू होता है तो यहाँ पर वन अपॉन टू लिखता है, यहाँ पर थ्री है तो वन अपॉन थ्री, फोर है तो वन अपॉन फोर, या फाइव है तो वन अपॉन फाइव। इसी तरह से वन अपॉन ए स्क्वायर वन अपॉन वी स्क्वायर वन अपॉन सी स्क्वायर का अर्थमेटिक मीन निकाल देंगे, तो ये होगा वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन बी स्क्वायर प्लस के वन अपॉन सी स्क्वायर। अब इसका अर्थमेटिक निकाल लेंगे, मीन निकालेंगे वन अपॉन थ्री। अब इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, इसका ज्योमेट्रिक मीन होगा वन अपॉन ए स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर की पावर वन अपॉन थ्री, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में आएगा ये वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन बी स्क्वायर प्लस वन अपॉन सी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे जो बटे में थ्री है, थ्री है तो पूरे के बटे में क्या आ जाएगा, ये नाइन आ जाएगा, ठीक है। और इधर ज़रा ध्यान से देखेंगे, जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा जो है कैंसिल हो जाएगा, यानी कुल मिला कैंसिल होकर बना जाएगा, देखिए ये किससे कैंसिल हो जाएगा, पूरा पूरे का पूरा कैंसिल हो जाएगा, बना जाएगा नाइन इधर पहुँच जाएगा। तो इसकी लिस्ट वैल्यू कितनी आएगी, नाइन से, यानी कि छोटी से छोटी जो वैल्यू हो गई वो नाइन हो गई, इससे बड़ी तो होगी लेकिन छोटी नहीं होगी, जो नाइन होगा वो कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो गया दूसरा वाला हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ये रहा द सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी, ये इसका सॉल्यूशन हमें निकालना, तो आसान क्वेश्चन है ये, आराम से आप कर भी सकते हैं, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए माइनस का एट लेस देन इक्वल टू फाइव एक्स, और माइनस का थ्री भी है, मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, माइनस फाइव एक्स माइनस थ्री और लेस देन सेवन। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, पहले तो थ्री हटाएंगे, ये तो थ्री कैसे हटेगा, तो प्लस का थ्री इसमें प्लस कर देंगे, तो माइनस का फाइव बचेगा, ये हो जाएगा फाइव एक्स लेस देन, प्लस का थ्री करेंगे तो ये हो जाएगा टेन। अब यहाँ पे फाइव से डिवाइड कर देंगे तो ये हो गया माइनस वन लेस देन इक्वल टू एक्स, और लेस देन हो जाएगा टू। अब यहाँ पे आंसर देख लेते हैं, एक्स की वैल्यू माइनस वन से टू के बीच में। अब यहाँ पर देखिए कौन सा आंसर होगा, यहाँ पर जो ये इक्वल नहीं लगवा तो इस पर ओपन इंटरवल लगेगा, इस पर क्लोज इंटरवल लगेगा, कौन सा आंसर हो गया इसका, फोर्थ इसका आंसर आ गया। इस तरह अगला क्वेश्चन एक और है तो देख लेते हैं। देखिए ये इसको भी बिल्कुल सेम ऐसे करना है,
माइनस फाइव अपॉन टू, तो इसको भी देखिए पहले तो हम एक काम करते हैं, टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा टेन लेस देन इक्वल टू फाइव माइनस के थ्री एक्स, और ये हो जाएगा टू से मल्टीप्लाई करा तो 16 हो गया। उसके बाद फाइव माइनस कर देते हैं सब में से, फाइव माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 15 लेस देन इक्वल टू माइनस का 3x, और ये फाइव माइनस करा तो ये हो गया 11। उसके बाद माइनस थ्री से डिवाइड करेंगे तो इंक्लूडी भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि माइनस से जब भी हम डिवाइड करते हैं तो इंक्लूडी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ आ गया माइनस की 11 अपॉन 3। इसमें देख लीजिए कौन सा आंसर है इसमें, एक्स की वैल्यू 5 से छोटी और माइनस के 11 अपॉन 3। यहाँ पे इक्वल का ये वाला देखिए, एक्स की वैल्यू जो हो गई वो 5 से चल छोटी है ये वाला है, और एक्स की वैल्यू माइनस 5 अपॉन 3 से बड़ी होगी, तो राइट आंसर हो गया दूसरा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, 5 की पावर है 5 टू अपॉन 2 रूट 3 की पावर ये, देन द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो हमें बताना है, क्या इसका सॉल्यूशन होगा। तो इसे करने के लिए देखिए एक काम कर लेते हैं हम, पहले ये लिखा जा सकता है 5 की पावर एक्स तो ऐसे रहेगा, इसे ले सकते हैं 2 अंडर रूट 3 के स्क्वायर का होल एक्स, ये लिख सकते हैं सर, ग्रेटर देन इक्वल टू 13 की पावर एक्स। अब यहाँ पर देखिए कितना हो गया, ये 5 की पावर एक्स हो गया, 2 का वर्ग 2 दिन 4 रहती है 12, यानी कि 12 की पावर एक्स हो गया। ठीक है, 13 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 13 से जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 5 अपॉन 13 की पावर एक्स प्लस के 12 अपॉन 13 की पावर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसे हम मान लेते हैं 5 अपॉन 13 को मान लेते हैं साइन थीटा मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका, हम कॉस थीटा कैसे निकालेंगे, कॉस थीटा होता है अंडर रूट 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि 5 पंजे 25 बटे 169। इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व होकर जाएगा 12/13। तो इसके स्थान पर साइन रखेंगे, इसके स्थान पर कॉस रखेंगे, तो क्या समीकरण बन जाएगी, साइन की पावर एक्स थीटा प्लस कोस की पावर एक्स थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसमें, अब इसमें देख लेंगे जो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा वो इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले की बात करते हैं, सबसे पहले 2 से इन्फिनिटी तक, तो एक्स की वैल्यू 2 अगर हम रखते हैं यहाँ पर तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो 1 1 के इक्वल है, यानी कि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए दूसरे वाले में जो आंसर है वो है 2 3, ये तो वैसे ही इसका देखिए दूसरा 2 केवल 2 दे रखा, तो जहाँ पर 2 दे रखा जबकि यहाँ पर और भी वैल्यू होती हैं बहुत सारी, यहाँ पर जो इसको सेटिस्फाई करेंगे आप, जैसे मान लीजिए जैसे अभी हमने क्या रखा था 2 रखा था, अब हम मान लीजिए 0 रख दें तो cos 0 की वैल्यू 1 sin 0 की वैल्यू 1 वो भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, जबकि इसमें कह रहा 2, तो यहाँ तो आंसर इसका है नहीं। अब माइनस इन्फिनिटी टू 2 कह रहा है, यानी कि माइनस इन्फिनिटी 2 का मतलब छोटी वाली। अब देखिए यहाँ पे 2 से बड़ी वैल्यू अगर हम यहाँ पर रखेंगे तो वो वैल्यू जो है यहाँ पर, क्योंकि इसकी जो वैल्यू 1 से कभी भी बड़ी नहीं होती, जब 1 से बड़ी नहीं होती तो इसका मतलब वैल्यू छोटी हो जाएगी, और जब छोटी हो जाएगी तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी, तो इसका मतलब माइनस वाली जो प्लस वाली वैल्यू भी नहीं होगी, यानी ये वाली वैल्यू इसकी होंगी। अब यहाँ पर दे रखा 0 से 2 केवल, तो 0 रखेंगे वो कर रही है 2 भी कर रहा है, लेकिन इसके आगे और भी माइनस की कोई सी वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, क्योंकि ये छोटी वैल्यू लानी यहाँ पर जो रखेंगे, तो जब हम यहाँ पर इसकी जो वैल्यू होती है छोटी से होती है, जब यहाँ पर घात इसकी छोटी होगी तो ये इसको सेटिस्फाई आराम से कर देगी। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर जो हो रहा है वो हमारे हिसाब से ये वाला हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, इसमें हम एक बार और बता दें ये जो है ये माइनस वाली वैल्यू क्यों कर रही है। देखिए यहाँ पर जो साइन की जो वैल्यू होगी वो 1 से कम होगी, जब 1 या 1 से कम हो, जब 1 से कम होगी तो माइनस होने के कारण जो होगी वो पलट जाएगी ऐसे करके। ठीक है, और ये भी जो क्या होगी पलट जाएगी, जब पलटेगी तो क्या होगी, जो वैल्यू जो होगी वो हमेशा 1 के बराबर या 1 से बड़ी ही आएगी, इसलिए माइनस का वाला भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, जबकि ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन इसमें आंसर ये भी कर रहा है तो ज़्यादा ये वाला है, तो जो पूरा आंसर हो रहा है वो आंसर इसका होगा, तो ये भी इसके आंसर में है ये भी है, लेकिन जो पूरा आंसर है वो ये वाला है। ठीक है, तो राइट आंसर जो होगा इसका तीसरा होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आ गया, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन हमें निकालना है, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो इसे सॉल्व करने के लिए पहले हम वही काम करेंगे, पहले यहाँ से 3 से इसको पक्षांतर या अलग अलग करके कर लेते हैं हम इसको। ठीक है, तो अलग अलग करके कर लें, एक एक लेके कर लेते हैं, तो
तो पहला हम देखिए इसे लेते हैं, ये लिखा मैंने एक्स स्क्वायर प्लस के टू लेस देन इक्वल 3x ले लिया, और दूसरा वाला लिखेंगे 3x लेस देन इक्वल 2x स्क्वायर माइनस के 5। ठीक, अब जो दोनों में कॉमन होगा वो इसका आंसर कहलाएगा। तो इसे देखो सॉल्व कर लेते हैं, लेस देन इक्वल टू 0 इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस के 3x माइनस 5, और ये क्या हुआ ग्रेटर देन। ठीक है, तो इसके फैक्टर करेंगे तो क्या होंगे फैक्टर इसके, x माइनस 2 और x माइनस 1 लेस देन इक्वल 0। इसी तरह से फैक्टर क्या होंगे, देखिए ये 2 पंजे 10 तो 5 दूनी 10 यानी कि x माइनस के 5 और x माइनस का 5 प्लस का 2। अब यहाँ पर देखिए जब इनटू में होता है तो इस नंबर से डिवाइड और कर देते हैं। ठीक है, ये तरीका होता है इसको शॉर्ट में करने का। अब यहाँ पर देख लीजिए कौन सा इसका इसका जो आंसर आ रहा है, x की जो वैल्यू जा रही है वो आ रही है 1 और 2, इसकी जो x की वैल्यू आ रही है ये कट जाएगा यहाँ से माइनस 1 और माइनस के 5 अपॉन 2। तो इनका कॉमन भाग दे लेते हैं तो दोनों की नंबर लाइन ड्रा कर देते हैं। अब देखिए नंबर लाइन हमने यहाँ पर ड्रा की है तो इसका जो आंसर है निगेटिव रखना, तो पहले 1 तो यहाँ ले लेते हैं, ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका देखिए इसमें जो है इक्वल भी लगा हुआ है तो हम इसमें ये भी लेना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो इसका आंसर निगेटिव रखना था यानी कि ये इसका आंसर हो गया। अब दूसरे का देख लेते हैं, माइनस 1 माइनस 1 क्या होगा, 1 से तो इधर ही होगा यानी ये होगा माइनस 1, तो ये भी लेना पड़ेगा हमें माइनस 2। अब दूसरा क्या माइनस 5 अपॉन 2, माइनस 5 अपॉन 2 2 से आगे होगा यानी यहाँ पर होगा माइनस के 5 अपॉन 2। अब इसका जो आंसर रखना है पॉजिटिव रखना, तो देखिए पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो इसका जो आंसर हुआ वो ये हुआ और इसका जो आंसर हुआ वो ये हुआ। तो अब देख रहे हैं हम कॉमन तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पर देखिए ये भी खाली पड़ा है, इधर भी ये भी ब्रेक हो गया, तो कुछ भी कॉमन इसमें नहीं है, तो इसका आंसर हो गया x बिलोंग्स टू 5। राइट आंसर कौन सा हो गया, x बिलोंग्स टू 5 यानी पहला इसका आंसर हो गया। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन है नंबर ऑफ द इंटीग्रल सॉल्यूशन। देखिए इंटीग्रल सॉल्यूशन का मीनिंग क्या, पहले ये समझ लीजिए इंटीग्रल सॉल्यूशन का मतलब इंटीजर सॉल्यूशन बताने हैं इसके केवल हमें, बाकी अगर रेशनल नंबर आता है तो उसको हमें छोड़ देना। तो हमने पहले भी आपको बताया था कि कभी भी अगर फ्रैक्शन के रूप में होता है तो इसको हमें पक्षांतर नहीं करना है, यानी कि पक्षांतर का मतलब है क्रॉस मल्टीप्लाई का ही, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं करनी है, पक्षांतर ये वाला करना। ठीक है, ऐसे तो अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2, तो ऊपर क्या आएगा ये आएगा 2x प्लस के 4 माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का 2x और ये प्लस का 3, नीचे आ गया 2, तो 2 को चले 0 में पहुंचा देते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 रह गया इज ग्रेटर देन 0। तो ऊपर माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इनक्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3 और अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेस देन 0। यहाँ पर देखिए स्क्वायर है तो स्क्वायर का मतलब ये तो ऑलवेज पॉजिटिव रहने वाला है। ठीक है, तो अब इसका आंसर देखते हैं क्या हुआ, कि नीचे वाला जो डिनोमेटर है वो ऑलवेज पॉजिटिव यानी x की जितनी भी पॉजिटिव वैल्यू होंगी सब इसका सॉल्यूशन होंगे, x का कोई भी मान आप रख दीजिए तो वो सब इसके सॉल्यूशन होंगे। कैसे, लेकिन यहाँ पर क्या इंटीग्रल यानी माइनस का रख दीजिए चाहे प्लस का रख दीजिए सब सॉल्यूशन होंगे, लेकिन हमें जो लेना है इंटरसेक्शन लेना। अब इसमें देख लेते हैं इसका क्या होगा, तो इसके गुणनखंड कर लेते हैं, फैक्टर क्या होंगे इसके x माइनस के 3 और x प्लस के 1 ये होंगे इसके फैक्टर। तो यहाँ से ये देखिए तो ऊपर से निकाल के रख लेते हैं तो x की वैल्यू तो आ जाएगी एक आ जाएगी हमारी माइनस 1 और एक आ जाएगी 3। तो नंबर लाइन से देखो इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस 1 आ गया यहाँ पे और प्लस 1 प्लस के 3 आ गया यहाँ पे। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा क्या निगेटिव रखना, तो निगेटिव सॉल्यूशन कौन सा है इसका, नहीं ये वाला। ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। अब इसमें नहीं, अब देखिए माइनस वन और थ्री के बीच में इंटीजर वैल्यू कौन कौन सी होती थी, तो माइनस वन और थ्री के बीच में इंटीजर कितना होगा, एक तो आएगा 0, एक आएगा 1, एक आएगा 2। ठीक है, तो आंसर क्या होगा 0 1 2 3, तो इसमें कौन सा 0 1 2 3 इसमें तो कोई सा भी नहीं है
0 1 2 नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्व। अच्छा संख्या पूछी थी, संख्या कितनी हो गई, 1 2 3, यानी कि ये आंसर आ गया इसका, 3 हो गया। यानी कितने इंटीजर होते, एक तो 0 हो गया, एक 1 हो गया और एक 2 हो गया, तो माइनस 1 और 3 के बीच में कितने इंटीजर हैं, वह 0 1 2 0 1 2, यानी 3 हो गया। तो राइट आंसर हो गया तीसरा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर आ गया, तो ये भी छोटा सा क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है, मोड 3 - 4x ग्रेटर देन इक्वल 9, तो इसको उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसा कि मैंने बताया था पहले, माइनस 9 लिख लिया। अच्छा ग्रेटर देन लगाना है यहाँ पे, चलो इसको मैं इरेज कर दूँ, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। तो यहाँ पे देखिए ग्रेटर देन इक्वल 3 - k 4x ग्रेटर देन इक्वल 9। अब वही काम करना जैसे पहले किया था, तो पहले 3 से इसमें सब्ट्रैक्ट कर देते, तो माइनस का 12 आ जाएगा और ये माइनस का 4x, माइनस का 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 6, उसके बाद माइनस 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 - 12 माइनस का, तो इक्वलिटी भी चेंज हो जाएगी, यहाँ हो जाएगा x और ये हो जाएगा 4, यानी कि 3/2 और वो भी माइनस। ठीक है, तो अब इसका जो कॉमन सॉल्यूशन होगा वो देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले नंबर लाइन दिखा देते हैं, नंबर लाइन की हेल्प निकाल देते हैं। अब देखिए माइनस का 3/2 यहाँ होगा, 3 कहीं पे यहाँ पर होगा, ये जो कह रहा है x की जो वैल्यू -3/2 से छोटी है, तो 3/2 से छोटी कौन सी होगी, ये वाली, यानी -2। ये कह रहा है कि x की वैल्यू 3 से बड़ी है, तो x की वैल्यू 3 से बड़ी कौन सी हो गई, ये वाली। अब देखिए जब एक ही लाइन होती है तो उसमें इंटरसेक्शन नहीं देखना, वो सारा सॉल्यूशन लेना होगा। तो क्या हुआ सॉल्यूशन इसका, -∞ से -3/2 और यहाँ पे देखिए इक्वल का सिंबल लगा हुआ, तो यहाँ पर ओपन इंटरवल या क्लोज इंटरवल लगेगा और यूनियन ऑफ 3 2 इनफाइनाइट। तो कौन सा आंसर है इसका, इसका जो तीसरा इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, -∞ से 3/2 और ये आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आ गया, एक्स सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी जी, ये लाइज द इंटरवल, तो ये छोटा सा क्वेश्चन है, चलिए मैं इसको भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए यह 2x - k 7 < 11 और दूसरा क्या है 3x + k 4 < -5। तो यहाँ सॉल्व करेंगे, देखिए 2x < 7 और 11 हो जाएंगे 18, यानी कि x < 3 हो जाएगा 3 2 9 18। यहाँ से करेंगे तो ये हो जाएगा 3x < अच्छा इधर इक्वल नहीं है, ये इक्वल हटा दो, ये हो जाएगा 5 4 9 और x < -3। ठीक है, तो अब इनका आंसर देख लेते हैं। तो क्या है, x की वैल्यू -3 से छोटी और उधर 9 से छोटी, तो कौन सा हो गया, x की जो वैल्यू है वो क्या है, -3 से छोटी है, लेकिन किससे बड़ी है, x की वैल्यू और किससे छोटी है, 9 से छोटी है, यानी x की वैल्यू -3 से छोटी का मतलब ये हो गया -3 और किससे छोटी, 9 से छोटी है, तो ये आंसर हो गया इसका। नंबर लाइन से भी इसको देख सकते हैं, -3 2 9 -3 2 9। अच्छा, इसमें देखें एक बार और देखें, नंबर लाइन से निकालें, इसमें कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो हमें जो लिखना है इसका जो है कॉमन सॉल्यूशन लिखना है ना, सेट एक्स सेटिस्फाइज लाइज द सॉल्यूशन। तो इसमें देख लेते हैं इसको, देखिए अब क्या करते हैं, एक्स इज इक्वल टू -3, तो यहाँ पे है ये 2x - 3। देखिए चलिए इसमें देखिए नंबर लाइन से ही क्लियर होता है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो देखो यहाँ पर बता दें, -3 कहाँ होगा, -3 हो गया और 9 कहाँ पर है, यहाँ पर। तो ये कह रहा है कि x की जो वैल्यू -3 से छोटी, तो -3 से छोटी ये वाली हो गई। ठीक है, -∞। ये कह रहा है 9 से, x की वैल्यू 9 से छोटी, तो 9 से छोटी जो हो गई वो, अब देखिए इसमें इक्वल तो है नहीं, तो ये लेना नहीं है, तो ये वाली हो गई। ठीक है, तो कॉमन भाग कौन सा हो गया दोनों का, ये वाला भाग हो गया, ये दोनों कॉमन हो गया, यानी -∞ ये आ गया -3, ये आ गया कॉमन भाग, राइट आंसर कौन, क्योंकि जब दो इक्वेशन है तो कॉमन भाग लेना, एक ही इक्वेशन है तो यूनियन लेना, तो ये आंसर हो गया इसका तीसरा। चल देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें बताना है कि 4 sin² x + 4 cos² x कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए हम उसी से करेंगे जैसा कि मैंने एक बार पहले भी अभी आपको बताया था कि अर्थमेटिक मीन जो होता है ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल होता है ज्योमेट्रिक मीन। तो
इस प्रॉपर्टी का प्रयोग करेंगे। तो हम इसका और इसका अर्थमेटिक मीन निकालते हैं। अर्थमेटिक मीन क्या होगा इसका, देखिए 4 sin² x प्लस 4 cos² x। अर्थमेटिक मीन क्या होगा, 2 से डिवाइड कर दिया। अब इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, ये इसका ज्योमेट्रिक मीन होगा 4 sin² x मल्टीप्लाई 4 cos² x और ये 1/2। तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो इनकी घातें जब जोड़ेंगे तो ये आएगा sin² x प्लस cos² x। इसकी वैल्यू आप जानते हैं कितनी होती है, 1/2 चल रहा है, इसकी वैल्यू 1 होती है, यानी कि ये हो जाएगा 16 का आ जाएगा 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब फिर इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 और चल रहा है यहाँ पे, तो 2 इधर आ जाएगा ये वाला। फोर कोस स्क्वायर एक्स और ये जो 2 है वो यहाँ आ जाएगा, कितना हो गया 4। तो इसकी जो वैल्यू होगी 4 से बड़ी या बराबर, ये वाला इसका आंसर हो गया, यानी सेकेंड इसका आंसर हो गया। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये आ गया, द लार्जेस्ट इंटरवल फॉर विच, ये तो इसका लार्जेस्ट इंटरवल हमें बताना है कि इसका जो लार्जेस्ट इंटरवल है वो क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए जो सेटिस्फाई कर देगा वो इसका लार्जेस्ट इंटीजर होगा। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इन सब में देख लेते हैं लार्जेस्ट कौन सा। तो देखिए सब में देख रहे हैं हम लार्जेस्ट जो है वो सबसे ये वाला है, ठीक है। तो इसे अगर सेटिस्फाई कर देगा तो यही आंसर हो जाएगा, नहीं करता है तो फिर और चेक करेंगे। तो पहले हम देखिए जीरो, जीरो से और इन्फिनिटी, जीरो और इन्फिनिटी के बीच में कोई भी नंबर लेके हम चेक कर लेते हैं, यानी कि पहले हम जीरो ही रख के देख लेते हैं। जीरो से बड़ा लेना है तो हम जीरो ही रख के देखेंगे। तो ये पहले जीरो आएगा, माइनस का जीरो आएगा, प्लस का जीरो, जीरो प्लस वन ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब देखो ये जब वन जीरो कर रहा है तो इसका मतलब जीरो से आगे वाले भी करेंगे सेटिस्फाई। अब एक हम बड़ा नंबर लेके देख ले रहे हैं, कोई भी नंबर, यानी कि हम बड़ा नंबर जैसे यहाँ पर जो दे रखा है वन रख कर देखते हैं। पहले वन रखेंगे तो वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन। तो यहाँ पर देखिए क्या रहा, ये से कैंसिल हो गया ये वाला, तो वन ये भी सेटिस्फाई कर रहा, यानी कि जीरो से x के स्थान पे जीरो और वन। तो यहाँ पे क्या कहा, लार्जेस्ट इंटरवल होता है। अब x की वैल्यू जब जीरो और वन रख के सेटिस्फाई कर रहे हैं तो इसका मतलब उससे आगे की वैल्यू और रख कर देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्या कहा, अब इतना बड़ी वैल्यू तो रख नहीं सकते। अब यहाँ पर देखिए एक बात और बता दें कि अगर वन से छोटी वैल्यू यहाँ होगी तो यहाँ पर जो पावर होगी, मैं अब तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि सबसे बड़ा नंबर जो है वो ये वाला नंबर है सबसे बड़ा, तो ये इसको सेटिस्फाई भी कर रहा है, हमने जीरो से वन तक सेटिस्फाई कर लिया। अब आएगा चूँकि बड़े नंबर हैं, जब ये वन रख के इतना एक ये बन जा बच जा रहा है, तो जब बड़ा नंबर रखेंगे तो और भी यहाँ पे यानी पूरा इसको सेटिस्फाई करेगा। तो इसका राइट आंसर हो गया ये वाला। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये और अंतिम क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो यहाँ पर देखिए ए ग्रेटर देन बी, तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये इसको मैं थोड़ा, चलिए आप देख लेते हैं पूरा क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि ए ग्रेटर देन क्या है, बी से। जब हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका मतलब यहाँ तक तो बिल्कुल सही हो गया, लेकिन अगर हम माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं यानी माइनस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर कह रहा है बस जीरो नहीं है, लेकिन एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, रियल नंबर में माइनस भी आते हैं, तो इसका मतलब पहला वाला तो हो गया रॉन्ग। देखिए एक मोड ऑफ एक्स ग्रेटर देन मोड ऑफ वाई, ऐसा एक्स ग्रेटर देन वाई, देखिए ये भी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि मोड ऑफ एक्स बड़ा हो वाई से तो एक्स ग्रेटर देन वाई बड़ा होगा वाई से जरूरी नहीं है, लेस देन भी हो सकता है, तो ये वाला भी आंसर नहीं। ए बड़ा हो बी से, ठीक है, तो उनके जो व्युत्क्रम होते हैं वो छोटे होते हैं, यानी कि लेस देन का चिन्ह होना चाहिए था, ये भी गलत हो गया। तो इसका मतलब लास्ट वाला ही सही बचता है, दोनों में इनक्वालिटी ये ग्रेटर देन हो या लेस देन हो, कोई एक जैसा नंबर हम जोड़ दें या प्लस कर दें तो आंसर पे ये इनक्वालिटी पे कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो राइट आंसर हो गया ये वाला। तो लीजिए यहाँ पर हमने जो है आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर प्रोवाइड करा दिए हैं, मुझे लगता है आपको ये ज़रूर पसंद आई होगी। अब जैसे जैसे मैंने ये दूसरी वीडियो मैंने अपलोड की है, अब आपको क्वालिटी ज़रूर इम्प्रूव नज़र आया होगा, आगे और भी क्वालिटी में इम्प्रूव आएगा। और मैं अगला टॉपिक अब लूँगा इसके बाद, अगला टॉपिक आपको बताएंगे, इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं कराऊँगा इसके बाद। तो अगले टॉपिक तक के लिए हमारे चैनल बने रहे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।